कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करते हैं वर्ष 2023 कैसा रहेगा कर्क राशि के जातकों का, यह वर्ष इसी विषय पे करेंगे आज आपसे चर्चा। जी हाँ मित्रों, कर्क राशि के जातकों का 2023 किस तरह के परिणामों को लेकर के आ रहा है, तो 2023 का औसतन मिला जुला जो भी हम भाव बताने जा रहे हैं, मिला जुला परिणाम प्राप्त तो होने वाला है। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव बना रह सकता है, मानसिक कष्ट प्राप्त हो सकते हैं और इसके साथ साथ आपको तनाव की स्थितियां भी रह सकती हैं। माता पिता की सेहत का आपको ध्यान रखना है, आपके घर में जो बुजुर्ग माता पिता हैं आपको उनकी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि माता पिता की सेहत का ख्याल रखेंगे तो माता पिता आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और इसके साथ साथ आर्थिक स्थिति भी ठीक रहेगी। जो अर्थ की स्थितियां इस वर्ष कुछ डामाडोल रही हैं, या आपका कहीं पे पैसा फंस गया है, या आपको कहीं पे ऐसा लगता है कि हमको यहाँ से धन मिलना चाहिए था नहीं मिला है, तो हो सकता है उनमें भी आपको इस बार सफलताएं मिले, अर्थात आर्थिक स्थितियां आपकी अच्छी रहती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसके साथ साथ में भूमि व संपत्ति की भी खरीददारी आप कर सकते हैं। तो भूमि और संपत्ति की खरीददारी, आप कोई प्लाट ले सकते हैं, कोई मकान ले सकते हैं आप, या कहीं पर खेत इत्यादि की आप परचेजिंग कर सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं। व्यापारिक वर्ग में मई के महीने तक परेशानी रहेगी। जो व्यापारी वर्ग हैं इनको 2023 में मई के महीने तक थोड़े से उतार चढ़ाव की स्थितियां रहेंगी, तो उनको वो मैनेज करके रखना है। मई तक आप जिस तरह से व्यापार चल रहा उसी तरह से चलाना, उसके बाद में मई के बाद में आपकी स्थितियां ठीक होंगी और इसके बाद में रुके हुए कार्य भी आपके पूर्ण होंगे। तो जो निवेश में जोखिम न करें, अभी मई तक आप कोई भी पैसा कहीं ऐसे जगह मत लगाइएगा जिससे आपका पैसा घाटे में चला जाए, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख के कार्य करिएगा, पैसा लगाइएगा। पैसा जहाँ पे लगा रहे हैं वो व्यक्ति कैसा है, वह कार्य कैसा है, इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, तब आप पैसे को कहीं पर लगाइएगा। सोच विचार करके, अर्थात आप पूरी तरह से सोच विचार करके, मनन करके, उसका चिंतन करके ही पैसे को कहीं पर लगाइए। नौकरी पेशा करने वाले अपने आधिकारिक गणों का उनको सहयोग प्राप्त होना चाहिए, अर्थात उनके जो आधिकारिक गण हैं उनके द्वारा जो नौकरी करने वाले, उनके जो उच्च पद पर बैठे हैं उनसे उनको सहयोग की प्राप्ति होगी और दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखमय रहने वाला है। पति पत्नी एक दूसरे का ख्याल रखें और इसके साथ साथ स्वास्थ्य की समस्याओं में थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। नियमित योगा करें और सुबह की सैर करें, मन को शांत रखें और इसके साथ साथ आपको भगवान चंद्रदेव की अर्थात चंद्रमा की उपासना करनी है। तो चंद्रमा की आप उपासना करेंगे तो वह शीतलता प्रदान करेंगे, जब शीतलता प्रदान करेंगे तो आपको लाभ की भी प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई पूजन पाठ यज्ञ अनुष्ठान, गृह प्रवेश, वास्तु दोष या पितरों का पूजन पितृदोष या गंडमूल की शांति, इस तरह की जो भी कार्य आप कराना चाहते हैं आप संपर्क करिएगा वैदिक विधि के द्वारा, वैदिक विद्वान आपके यहाँ पर निवास पर ला करके और इस तरह के अनुष्ठानों को संपन्न करते हैं। आप श्रीयंत्र की स्थापना कराना चाहते हैं तो वह भी अनुष्ठान हमारे यहाँ संपन्न किए जाते हैं। मित्रों, पुनः मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय माँ करी।